यूपी को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं ने तैयार की चुनावी रणनीति। प्रचार और मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए एक्शन में बीजेपी। बीजेपी ने क्षेत्रवार बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कानपुर और गोरखपुर, काशी और अवध की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को और ब्रिज और पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। सिडनी डायलॉग को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, डिजिटल दुनिया और हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भारत की भूमिका काफी अहम है। क्रिप्टो करेंसी के गलत इस्तेमाल पर दुनिया को चेताया भी। लखनऊ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। 21 साल से अटके परिसंपत्ति विवाद पर सहमति बनी। करीब 20,000 करोड़ की संपत्ति यूपी के अधीन है। लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रेजांगला वॉर मेमोरियल का उद्घाटन। मेमोरियल पर रक्षा मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शरद पवार ने कहा, जिन लोगों ने अनिल देशमुख को वसूली कांड में फंसाया है उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बीजेपी बोली, पवार जांच एजेंसियां और कोर्ट को दे रहे हैं धमकी। बच्चों के साथ यौन शोषण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा, यौन उत्पीड़न की मंशा से छूना यौन शोषण है, चाहे कपड़े हटाए जाएं या नहीं। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं। ABP News आपको रखे आगे।